सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। एक्सेल इन सिक्स क्लासेस की जो सीरीज चल रही है उसमें ये थर्ड क्लास है, और अगर आपने इससे पहले की दो क्लासेस नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उनके लिंक है, वहां से आप उनको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉपी और फिलिंग, मतलब किस प्रकार से आप डेटा को कॉपी करते हो, पेस्ट स्पेशल कैसे यूज करते हो, टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, फिलिंग करना क्या होता है, सीरीज फिल करना क्या होता है, कैसे उसके रूल्स हैं, उसके साथ ही किसी भी कॉलम को हाइड एंड हाइड कैसे करते हैं उसका रूल, और साथ में फ्रीज पेन का रूल। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को लेकर इंटरेस्टेड हो और सीखना चाहते हो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कॉपी करना। कॉपी करना सबसे ईजी काम होता है कि आपने किसी चीज़ को सेलेक्ट किया, यहाँ पर ऊपर ऑप्शन है होम के अंदर कॉपी का, अदरवाइज आप इसे शॉर्टकट या कंट्रोल सी आपने दबाया तो यहाँ से इसको इस प्रकार सेलेक्टेड शो करेगा। उसके बाद आप कहीं पे भी गए उस पे जाके आपने इसको सेलेक्ट किया उस सेल को, वहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया तो वहाँ पे सारा पेस्ट हो जाएगा। तो ये तो एकदम सिंपल है, सबको पता है। तो कुछ चीज़ें जो स्पेशल सिखाने वाला हूँ वो है इसमें पेस्ट स्पेशल, कि आप क्या करना है। एक चीज़ होती है इसमें एक्सेल में पेस्ट स्पेशल, तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, अब मुझे यहाँ पर इसको रखना है। तो यहाँ पे देखो पेस्ट के नीचे ऑप्शन आता है पेस्ट स्पेशल, मतलब हम चाहते हैं कि इसमें से इसके कई फॉर्मेटिंग को हम कॉपी करें, या फिर इसके कुछ फॉर्मूला को कॉपी करें, या फिर हम इसके अंदर कोई जो फॉर्मूला और फॉर्मेटिंग है दोनों को कॉपी करें। तो ऐसे कई ऑप्शन हैं हमारे पास में, उनको हम कैसे यूज करेंगे उसके लिए देखिए पेस्ट स्पेशल। तो जैसे पेस्ट स्पेशल में फॉर एग्जाम्पल सिंपल पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी। अब यहाँ पर कोई फॉर्मूला है, अगर सिर्फ आपको फॉर्मूला पेस्ट करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा फॉर्मूला पे। इसी प्रकार पे फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग के लिए ये आ जाएगा। उसी प्रकार से कीप सोर्स कॉलम वेट, यहाँ पे ट्रांसपोज भी आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके वैल्यूज आ जाएगी, वैल्यूज एंड नंबर आ जाएगा, कई ऑप्शन है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले वैल्यूज़ का देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे किया और वैल्यूज़ पे क्लिक कर दिया, तो वैल्यूज़ पे क्लिक करने से सिर्फ इसकी जो वैल्यू है वो अपने पास में आएगी। ये देखिए ये सारी इसकी वैल्यू आ चुकी है कंप्लीट। अगर आप इसे एग्जैक्ट चेक करना चाहते हो तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करता हूँ। किसमें करूँगा, यहाँ पर जाकर ये। तो आप देखो स्टूडेंट नेम देखिए, गौर करिए, और यहाँ स्टूडेंट नेम देखिए, दोनों में फ़र्क है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ क्या है वैल्यू को कॉपी किया है, तो इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं हुई है। एक और एग्जाम्पल देखिए कि जब मैंने इसको कंट्रोल सी किया है, यहाँ इसको अपने ऐसे यहाँ सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल सी, यहाँ पर मैं चाहता हूँ सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग है केवल वही मुझे मिले। तो उसके लिए जो एक ऑप्शन है एक फॉर्मेटिंग, ओनली फॉर्मेटिंग का, तो देखो ये सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग हमारे सामने आई है, इसका जो डेटा है वो हमारे पास में नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको चीज़ में यूज कर सकते हो पेस्ट स्पेशल के अंदर। इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ 1, 2, 3 लिखता हूँ। आप इसको देखो मैं फिल कर देता हूँ ये, ठीक है। और इधर मैं करता हूँ वापस से ये 2 से कर देता हूँ, तो इनको देखिए ये मेरे पास फॉर एग्जांपल दो चीज़ें पड़ी हैं, इन दोनों को मैं एक बार सेंट्रल कर देता हूँ। तो अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ पेस्ट स्पेशली, वो बहुत शानदार है। वो क्या है कि फॉर एग्जांपल मुझे इन सबको यहाँ से कॉपी करना है और इनको इधर पेस्ट करना है राइट साइड में, और मैं चाहता हूँ कि इसमें जो भी वैल्यू पड़ी है उसके अंदर ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन ऐसा कोई फंक्शन भी हो जाए। जैसे कि मैं इसको यहाँ कॉपी करूँ तो ये एक एक में जुड़ जाए, 2 को कॉपी करूँ तो 2, 3 में जुड़ जाए। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे कितना आएगा 5, नीचे आ जाएगा 8, ऐसे अपडेट होना चाहिए। उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ से कॉपी किया, उसके बाद मुझे कॉपी पेस्ट कहाँ करना है, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा, पेस्ट स्पेशल के टैब में जाऊंगा, और यहाँ पे देखिए ऑपरेशन, मतलब पेस्ट करते समय कौन सा ऑपरेशन आपको करना है, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन करना है एडिशन, ओके। तो देखिए एक अगले में जुड़ गया 2, 2 3 में जुड़ गया 5, 3 5 जुड़ गया 8, ऐसे जुड़ के आपकी वैल्यू आ गई। ये सब पेस्ट स्पेशल है, आप इन सब ऑप्शन को एक करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कॉपिंग का काम। इसके अलावा एक ट्रांसपोज भी आता है जो बहुत यूज आता है इसके अंदर। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि आपकी जैसे हेडिंग अभी हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल बन जाए। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट नेम लास्ट नेम है, अगर इसको अपने कॉपी करते हैं और मैं चाहता हूं कि ये ऐसे नहीं हेडिंग जैसे वर्टिकल आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ, तो जाऊँगा पेस्ट स्पेशल में और यहाँ पर करूँगा ट्रांसपोज। ये देखिए स्टूडेंट नेम क्या हो गया, ये इस प्रकार से आ गया। तो आप ये वर्टिकल के अंदर नाम आ गए अपने और साइज डिटेल्स में सब हॉरिजॉन्टल आ गए। तो इस प्रकार से ट्रांसपोज मतलब हम इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं।
तो आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए। सारी ये सारे आपके किसके हैं, पेस स्पेशल के। अब बात करते हैं हम आगे सीरीज फिल करने के, कि हमारे पास में एक्सेल में सीरीज फिल करने का काम होता है। जैसे आप किसी में वन लिखती हो तो कई बार उसमें वन की एक कंटिन्यू कॉपी होती है, और कई बार वन लिखती हो तो जैसे एक वन ये लिखा, एक वन ये लिखा। अब मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा तो ये वन 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 कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अगर टू लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद में इसको मैं ड्रैग करूँगा तो वन वन नहीं आएगा, गिनती आएगी। ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि एक्सेल के अंदर पहले से उसको माइक्रोसॉफ्ट ने समझा के रखा है कि मैं अगर वहाँ पर वन टू का लिख रहा है कोई बंदा और उसको अगर ड्रैग कर रहा है तो उसका मतलब वो सारी सारी एक जो काउंटिंग है वहाँ पे जाता है, तो आप वहाँ पे काउंटिंग लिखिए। लेकिन ओनली वन लिखता है तो वहाँ पर आप क्या करो, उसी को कॉपी कर दो। ऐसा ही उसने बता रखा है कि अगर कोई लगता है जैन लिखता है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो जनवरी फरवरी महीना ऐसा लिखना चाहता है, तो आप उसमें उसी हिसाब से उसको ऑर्डर में लिख दीजिए, ठीक है। और अगर कोई संडे लिखता है तो ये समझ जाएगा एक्सेल कि आप क्या करते हो, वीक डेज की बात कर रहे हो, तो वीक डेज में जो भी आते हैं साथ हो उनको लेके वापस से रिपीट करता रहेगा। तो ये सब क्या है, आप ड्रैग करके इनको यूज कर सकते हो। इसमें एक तरीका और है जिसके अंदर आप शॉर्टकट की यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा अमित, आप चाहते हो कि नीचे ड्रैग नहीं करना पड़े और इतने जितने भी लिखा है सबके अंदर आपका अमित लिखा हुआ जाए, ऐसा अगर आप कुछ चाहते हो तो उसके लिए इसमें जो तरीका है वो बता दूँ आपको। मैं इसको यहाँ से लिखो, इसको ड्रैग करो, कंट्रोल डी करो, नीचे समय के आ जाए, पेस्ट हो जाएगा। आप चाहते हो कि इधर राइट साइड में भी सारा पेस्ट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इस सबको लेता हूँ और जहाँ तक ले जाना है मेरे को वहाँ तक लेके जाता हूँ, ठीक है। अब चाहता हूँ मैं राइट में भी सब में अमित चला जाए, तो कंट्रोल आर, सब में अमित आ गया। इस प्रकार से डेटा कॉपी कर सकती हो आप कहीं भी, ठीक है। तो कंट्रोल डी नीचे डाउन के लिए, कंट्रोल आर राइट साइड के लिए, ठीक है। अब बताता हूँ आपको कुछ कस्टम लिस्ट कैसे तैयार होती है। जैसे कि आपने जनरल लिखा फरवरी मार्च जनवरी ये सब कुछ आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी जैसे ब्रांचेज है, बीकानेर में ब्रांच है, मुंबई में है, ठीक है, और जबलपुर में है, ये मेरी ब्रांचेज है, तो मैं चाहता हूँ जब मैं बीकानेर लिखूँ तो मेरी सब ब्रांचेज के नाम आ जाए। ये कैसे होता है, इसे बोलते हैं कस्टम लिस्ट तैयार करना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाना पड़ेगा। फाइल में जाने के बाद में वहाँ पर हमें जाना पड़ेगा ऑप्शन में। ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन होता है एडवांस्ड, एडवांस इसके अंदर नीचे एक ऑप्शन होता है कस्टम लिस्ट का, वो हमें सर्च करना है। अभी देखते हैं कहाँ पर ये रहा, एडिट कस्टम लिस्ट, इस पर क्लिक करने के बाद ये देखो जो उसने माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल को बता रखी है सब चीज़ें यहाँ पर सेव है। देखो मैंने यहाँ पे मेरे ब्रांचेस का नाम आपके लिए पहले से मैंने ऐड कर रखे हैं। ये देखो बीकानेर, जोधपुर, मुंबई, रोहतक, दिल्ली, दिल्ली, ये मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ऐड करने कैसे हैं, अगर आप नया भी ऐड करना चाहते हो तो नया भी ऐड करने के लिए आप न्यू लिस्ट पे जाओ और अपने जो भी लिस्ट है उसको ऐड कर सकते हो। ऐड लिस्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने से सारी लिस्ट इस प्रकार से आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो जैसे ही ऐड हो जाएगी अब आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे बीकानेर और इसको जब ड्रैग करोगे तो ये क्या समझ जाएगा कि आप अपनी ब्रांचेज का नाम चाहते हो। ये देखो बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, मुंबई, रोहतक, ये कर देगा, ठीक है। अगर आपने लिखा मुंबई और उसके बाद इसको अगर आप ड्रैग करोगे तो देखो मुंबई, रोहतक, पंजाब, इसको इस पास समझ चुका है। लेकिन अब ऐसी कोई सिटी देखो जो इसमें नहीं है, ऐसी कोई सिटी है जो इसमें नहीं है वो है जबलपुर, तो मैं लिखता हूँ जबलपुर, जबलपुर। अब जबलपुर को ड्रैग करूंगा तो देखो क्या आएगा, जबलपुर ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसे नहीं पता कि इसमें जबलपुर के बाद में क्या लेके आना है। तो इसे बोलते हैं कस्टम लिस्ट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कई जगह काम आता है ऑफिसेज के अंदर, तो आप इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना, ठीक है। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको इसके अंदर कि आप चाहते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे संडे लिखा था, तो ये आप इसमें ड्रैग करते हो नीचे, तो देखो नीचे का ऑप्शन है होता है, उस ऑप्शन के अंदर मैं आपको वापस अगर दिखाता हूँ, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया संडे। अब जब आप इसे ड्रैग करोगे यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ऑटो फिल ऑप्शन। आप चाहते हो कि मुझे वीक डे चाहिए, मतलब मुझे तो वीकेंड नहीं चाहिए, इसके अंदर सैटरडे संडे नहीं चाहिए, तो आप इसमें आओ, यहाँ पर जाकर आप इस ऑपर इसमें देखो फिल वीक डेज, तो देखिए आप इसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बाद वापस क्या आ गया सीधा मंडे, सैटरडे संडे हट गया। इस तरीके से आप इसमें वीक डेज को भी चूज कर सकते हो। ये सारा फिलिंग का ऑप्शन होता है, तो आपको कोई भी प्रकार की फिलिंग लानी हो तो आप इसको बना सकते हो, इसको पहले बोलना पड़ेगा। जैसे आइए एक नई सीरीज देखते हैं, 10, 20, 30, तो इससे क्या समझ में आया एक्सेल को कि हम 10 का गैप बढ़ा रहे हैं, तो ये देखिए 40, 50, 60, 70, 80, 90 सब आ गया, ठीक है। लेकिन हम करेंगे 10, 15, 20, 25, तो इसे समझ में आ रहा है कि हम 5-5 का गैप बना रहे हैं, तो 5-5 के गैप को लेकर चलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे ट्रेन कर सकते हो कोई भी।
तो ये था आपका फिल सीरीज के अंदर अगला पॉइंट। अब हम करेंगे एक पॉइंट है, वो है हमारा फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या होता है वो बता दूँ मैं आपको। फ्लैश फिल के लिए मतलब एक शॉर्टकट होती है कंट्रोल ई, वो यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोड बड़ा आपके पास में, आप चाहिए आपको इसके लास्ट के 3 डिजिट चाहिए, तो आप क्या करो इसके जस्ट पास में 3 डिजिट लास्ट के कितने हैं लिख दीजिए पहले एक बार, 100 है, लिख कर इसको आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आपको कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, आप इसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल ई दबाओ, कंट्रोल ई। तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जिसके भी लास्ट के पॉइंट है वो ले लेगा, लेकिन आप जब गौर करोगे तो देखोगे 100 100 100 100, ये सबके 100 बाय डिफॉल्ट आगे वाले उठा रहा है। तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। तो ट्रेन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिलीट और यहाँ पर लिखेंगे 100 और लिखेंगे भाई साहब नीचे वाला 250 भी लिखेंगे, ताकि वो समझ में आ जाए कि हम इधर इंटरेस्टेड है राइट साइड वालों में। तो ये कहेगा ओके, अब इसे ट्रेन हो चुका है, अब करिए कंट्रोल ई। तो ये देखिए लेफ्ट राइट साइड वाले उठे हैं, 547 2452 523 872 524। इसी प्रकार से अगर आपको डिजिट 4 एंड 5 उठाना है तो डिजिट 4 एंड 5 इसको बता दीजिए पहले, 4 1 2 3 4, 4 एंड 5 इधर क्या है, 2 1 2 1, इधर क्या है 4 एंड 5 2 3 2 3, ठीक है बस दो बहुत है इसे ट्रेन करने के लिए। अब यहाँ पर आके क्या करोगे, कंट्रोल ई, तो देखो सारे 4 एंड 5 आके उठा दिए। तो इस प्रकार से आप फ्लैश फिल का यूज़ करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए कि अगर आपके पास में कोई आधार संख्या है और वहाँ पे आपको लास्ट का डिजिट लेना है, तो वो लास्ट का डिजिट निकालने के लिए आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन आपको कंट्रोल ई पता है तो आपको पता है कि लास्ट का आप डिजिट निकाल सकते हो उसे। इसी क्रम के अंदर एक चीज़ और होती है जो बहुत काम की होती है, वो है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम भी बहुत इंपॉर्टेंट एक माना जाता है ऑफिस के वर्क के अंदर, आपको जिसके अंदर आप किसी भी टेक्स्ट कॉलम क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको एक बताता हूँ शॉर्ट तरीका क्या है, वो ये है कि आप चाहते हो कि जैसे अमित आचार्य और ये जो नाम लिखे हुए हैं इनमें आपको इस टेक्स्ट से एक कॉलम बनाना है, मतलब मैं चाहता हूँ इसका जो लास्ट नेम है वो आपको अलग से लिखा हुआ आ जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करो, ये सबको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद में आपको डेटा के अंदर जाओ, डेटा के अंदर ऑप्शन आएगा टेक्स्ट टू कॉलम, इस पर क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में डेलिमिटेड मतलब कोई भी ऐसा करेक्टर है जिसको आप यूज करोगे इसको तोड़ने के लिए एज ए कॉलम के अंदर, तो आपने इसको एक बार नेस्ट कर दो। अब बताओ उसको वो चीज़ क्या है, तो आपने क्या बताया इसको, स्पेस, मतलब ये जहाँ पे दोनों बीच में स्पेस आ रहा है उसको आप अलग करके एक अलग से कॉलम बना दो। तो मैंने जो तरीका है तोड़ने का वो क्या लिया है, स्पेस। आप यहाँ पे कॉमा भी ले सकते हो, सेमी कॉलम ले सकते हो, जो भी आपका हो वो ले सकते हो। तो मैंने स्पेस लिया, स्पेस लेके कर दिया नेक्स्ट। अभी पूछेगा आपको आंसर कहाँ पे चाहिए, तो इसने D3 ले रखा है। अब यहाँ पे क्लिक करके आपने देख सकते हैं आप हमें आंसर ये इस जगह पे चाहिए इसका लास्ट नेम, या फिर कहीं पे भी ले लो, साइड में ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे इसका हमें आंसर चाहिए, ओके यहाँ करके इसको कर दो फिनिश। तो देखिए आपके जो नाम है दोनों अलग अलग हो चुके हैं। अब यहाँ से इसको हटाइए, कंट्रोल एक्स करिए यानी कट, कंट्रोल वी करिए लास्ट नेम। तो आपका काम कितना हो गया, ईजी हो गया। ऐसे ही अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरी amit@gmail.com, ठीक है ये है। अब मुझे इसके अंदर मुझे इसमें कुछ चेंज करना है, वो चेंज क्या करना है मुझे इसमें से, कि @gmail.com से पहले का अलग करना है, उसके बाद का अलग करना है। अगर ये मुझे करना है तो कैसे करूँगा, उसके लिए क्या करूँगा, मैं सेलेक्ट करूँगा। अभी देखो इसमें तो सेलेक्ट करने के लिए बाई डिफॉल्ट पूछेगा क्योंकि अपनी ईमेल आईडी है। सेलेक्ट करने के बाद में जाऊँगा मैं टेक्स्ट टू कॉलम में, टेक्स्ट टू कॉलम में देखो आ चुका है। अब यहाँ पर डेलिमिटेड ओके, अब यहाँ पे अदर है क्योंकि स्पेस तो नहीं है इसमें कहीं पे भी, अदर किससे करना है, एट द रेट से। तो ये एट द रेट लगा दिया मैंने, तो इसे एट द रेट के बाद इसको एट द रेट खुद हट जाएगा और वहाँ पे क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी नेक्स्ट। अब हमें आंसर कहाँ चाहिए इसका, हमें फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर चाहिए इस बॉक्स में, इस बॉक्स को लिया बस सेलेक्ट किया फिनिश। तो देखो ये हमारा इस प्रकार से बन गया, टेक्नोग्रो अलग आ गया, gmail.com अलग आ गया, ये देखिए gmail.com अलग आ गया, ठीक है। तो ऐसे से बोलते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। और यहाँ पे अगर आपको कोई कमेंट देना होता है एक्सेल के अंदर तो कमेंट्स भी दे सकते हो, कमेंट्स देने की शॉर्टकट है Shift F2, शिफ्ट के साथ F2 लगाओगे तो आप कमेंट खुल जाएगा, वहाँ पे जो भी कमेंट देना चाहते हो, इट इज़ माई मेल आईडी, ये आपका कमेंट आ जाएगा। तो ये जो कमेंट होता है ये रिव्यू टैब के अंदर होता है, जब आप इसको एंटर करोगे तो ये रिव्यू टैब के अंदर देखो रेड कलर का कमेंट आ गया। अगर आपको नहीं दिखता है तो रिव्यू में जाइए, रिव्यू में जाने के बाद में लिखिए शो ऑल कमेंट्स, तो ये देखो कमेंट्स आ गया। और इस कमेंट्स के अंदर आप न्यू कमेंट लिखना चाहते हो कहीं पे तो न्यू कमेंट भी कर सकते हो, जहाँ पे भी आपका सेल होगा वहाँ पर ये देखिए न्यू कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब इन सब कमेंट को आपको डिलीट करना है तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हो, जैसे आपने सेलेक्ट किया तो डिलीट, सेलेक्ट किया
डिलीट, ये सिलेक्ट किया डिलीट, इस प्रकार से आप सबको डिलीट भी कर सकते हो। तो कमेंट हो गया, टेक्स्ट टू कॉलम हो गया, कॉपी करना, पेस्ट स्पेशल करना बता दिया, फिलिंग करना बता दिया, सीरीज फिल करना बता दिया, कंट्रोल ई आपको बता दिया मैंने। उसके अलावा एक जो चीज़ है जो नेक्स्ट है वो है हाइड और अनहाइड कॉलम को करना। हाइड और अनहाइड, जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉलम है, ये आपके बीच में दो कॉलम है, ये आपको नहीं चाहिए, तो आप इस पर राइट क्लिक करिए, इसमें कर दिए हाइड, तो ये आपका हाइड हो जाएगा। इसको भी करना ऐड, तो हाइड हो जाएगा। तो अब देखिए ई के बाद में एफ और जी आपके हाइड हो चुके हैं। अगर इनको वापस लेके आना है सारे कॉलम को, तो आप सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे है ना, ये वन के ऊपर जो, इसको आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पर राइट क्लिक करिए और कर दिए अनहाइड। तो देखिए एफ और जी वापस आपके आ चुके हैं। थोड़ा सा विजिबल करने के लिए मैं काम करता हूँ, इन तीन कॉलम को लेता हूँ साथ में, तीनों को कर देता हूँ हाइड। हाइड हो गए, अब अपने नहीं दिख रहा है, वापस से यहाँ पे जाएंगे और राइट क्लिक करके करेंगे अनहाइड, ये तीनों आपके वापस आ चुके हैं। ऐसे ऐसे आप रो को भी कर सकते हो, जैसे ये तीन चार रो है, इनको करना है आप, तो आप इन पे जाइए हाइड, ये हाइड होगी, वापस यहाँ जाइए और यहाँ पे कर दीजिए अनहाइड, ये अनहाइड होगी। ठीक है, अब एक चीज़ और है जो इस क्लास में वो कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा ये वीडियो। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रिज पेन क्या होता है। फ्रिज पेन का मतलब, जैसे कि आप चाहते हो कि अक्सर, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक कॉलम है फर्स्ट कॉलम, आप चाहते हो इसके राइट साइड वाला के लिए स्क्रॉल होता रहे, ये कॉलम अपनी जगह पर रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप कहीं पर भी रख दो, अपना सेल सेलेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको व्यू के अंदर फ्रिज पेन पर जाना है और वहाँ पर करना है फ्रिज फर्स्ट कॉलम। तो देखो फर्स्ट कॉलम के आगे एक लाइन आ जाएगी, अब आप इतने जो इसको ऐसे करोगे तो देखो फर्स्ट कॉलम अपनी जगह पे हिलेगा नहीं, बाकी सारा जो अपनी जगह पे हिलता रहेगा। देखो मैं कुछ थोड़ा बढ़ा कर दिखाता हूँ, देखिए फर्स्ट कॉलम अपनी जगह पे पड़ा है, बाकी सब हिल रहा है। तो अब इसको अनफ्रीज करना है, तो आप वापस फ्रीज पेन में जाइए, इसको कर दिए अनफ्रीज पेन, तो अनफ्रीज हो गया। इसी प्रकार से आप अपने रोज को भी क्या कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि ये पहली दो रो है, इन दो रो को मैं करना चाहता हूँ, लेकिन दो रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का ऑप्शन तो डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप अपना खुद का कुछ कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक अलग सेटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं कुछ कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ, कि जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो पोर्शन है सारा, ये वाला, ये सारा मेरा क्या हो जाए, अलग से फ्रीज हो जाए मेरा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बता दो। मैंने इसको अलग से कलर कर दिया ताकि अपने अच्छे से दिखे। तो मैं क्या करता हूँ, अपने जो इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, जहाँ पे सेल सिलेक्ट करूँगा मतलब इसके ऊपर वाली सारी रोज और इसके इधर वाले सारे कॉलम, ये सब अपने ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, अगर मैं इसको यहाँ करूँगा तो ये कॉलम भी इसके अंदर आ जाएंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आके फिर मैं वापस जाऊँगा व्यू में, व्यू में जाकर फ्रीज पैन में जाऊँगा और यहाँ पे कर दूँगा फ्रीज पैंस, फ्रीज पैंस। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसको अब मूव करूँगा, तो देखिए पूरा अपनी जगह पर, ये जो पूरा बॉक्स है अपनी जगह पर गया हुआ है, और नीचे भी करेंगे तो नीचे से भी देखो ऊपर नीचे कराएगा, लेकिन ये बॉक्स अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और इसको अनफ्रीज करना है तो वापस जाके अनफ्रीज पेन, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाली चीज़ है, तो फ्रीज पेन। तो बता दिया आपको फ्रीज पेन, बता दिया टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है वो बताया मैंने आपको, फिलिंग करना क्या होता है, डेटा स्पेशल पेस्ट स्पेशल क्या होता है, कमेंट्स करना क्या होता है। तो ये थिंग इस वीडियो में मैंने बहुत सी चीज़ें बताई आपको, इसको वीडियो को कम्प्लीट आप अच्छे से देखिए, और जब आपकी ये सारा क्लियर हो जाए उसके बाद ये आप नेक्स्ट वीडियो में जाना। ठीक है, तो देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित, अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर।